सो गाइज हम लोग भूल भुलैया में अंदर जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि घना घना होते जा रहा है। तो हे गाइज वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग, सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं रीजनल पार्क जो कि भवरकुआ के आगे है। तो चलिए चलते हैं रीजनल पार्क। तो गाइस हम लोकेशन पे आ चुके हैं और बाहर का नज़ारा भी बहुत प्यारा है यहाँ पर। मैं बता का नज़ारा देखते से हम बाहर ही कुछ चिड़ियाँ लग गई है, दरवाजे पे ही लग गई है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है। रील्स बन रही है यहाँ पर बहुत। तो मैं आपको बाहर का व्यू बताता हूँ। एक हमको आते से निराशा का मुंह देखना पड़ा यहाँ पे। अभी तक गूगल पे फोन पे कुछ भी नहीं लेते हैं, कैश लाना पड़ता है क्योंकि हम लाए नहीं। तो हम तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैश लेस है, बिल्कुल नंगे भूखे ही हैं, कैश की तलाश में निकल। तो अब जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कहीं से कैश मिल जाए फोन पे करके, तो फटाफट करते हैं और आपको ले जाते हैं अंदर। सो गाइस अब एक शॉप पे आए हैं, अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इनसे बोलते हैं कि हम फोन पे कर देते हैं, आप हमको थोड़ा सा कैश दे दो। मेरी लक्की है ना, संघर्ष कर गया है और अभी रिक्वेस्ट कर रहा है वो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं माने तो ये दुकान है फूड इंजन, इन्होंने हमको ना बोल दिया है, इनके यहाँ कभी खाने बताना। तो गाइस हमें वहाँ पर कैश नहीं मिला, तो मैं अभी एटीएम पे आया हूँ और एटीएम पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, और फिर यहाँ से चलते हैं कैश लेके रीजनल और करते हैं एंट्री। तो गाइस फाइनली इतने संघर्ष के बाद हम आ चुके हैं टिकट लेने, और ये साहिल गया है टिकट लेने यहाँ पर। हम लोग अंदर आ तो गए हैं और बहुत बढ़िया माहौल है आप देख सकते हैं, और कपल्स के लिए तो बेस्ट जगह है। हर झाड़ी के पीछे कुछ न कुछ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज खराब है कि सबसे बड़ा काउंटर पर हमने गूगल पे फोन पे नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है हम जैसे बच्चों को इसके कारण। सही बात। तो जो भी हमारी सरकार से, नगर निगम से एक वो है, निवेदन है कि कुछ करे इस बारे में। अब हम गार्डन की तरफ जा रहे हैं अंदर, और बहुत ही प्यारा गार्डन है आप देख सकते हैं, और लोग यहाँ पर अक्सर मस्ती करने एंजॉय करने आते हैं। अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ आ सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे कुछ महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ आई हुई है, किटी पार्टी चल रही है मेरे ख्याल से वहाँ पे, और बच्चे भी खेल रही है वहाँ पे, तो छोटे बच्चों का क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ। छोटे छोटे सहवाग और विराट कोहली है ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही मनोरंजन चलता रहता है सबका यहाँ पे। तो आप भी आओ मनोरंजन करो अपना खुद का स्वयं से। वो खेल रहे हैं वहाँ पर बच्चे, और जैसा कि हमने बताया था कुछ महिलाएं यहाँ पे किटी पार्टी कर रही हैं, और ये जो प्लेस है जहाँ पर साहिल खड़ा है आप देख सकते हैं कि फ़ोटोशूट के लिए इतनी प्यारी जगह है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो कैमरा लेकर आएँ। और भी बहुत प्यारे प्यारे व्यू हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं वॉल पर पेंट बना हुआ है, तो अगर आप फ़ोटोशूट के शौकीन हैं तो आप तब भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक ऊपर सीढ़ियों से जा रहे हैं अभी हम, और बहुत प्यारी लेक है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसके इधर सीटिंग अरेंजमेंट भी बना हुआ है कि आप बैठ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इतना लंबा रास्ता इधर की साइड भी है और इधर भी बहुत लंबा रास्ता है, मतलब ये लेक के साइड में चल रहा है और आप यहाँ पर घूम सकते हो, मतलब कपल्स के लिए तो बेस्ट प्लेस है। आप देख सकते हैं जैसे ये दो कपल्स खड़े हैं यहाँ पर। Thank you.
जैसे आपको बोला था लेक के साइड में सीटिंग अरेंजमेंट भी आप बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं बहुत। और आगे अभी हम बोटिंग वाले एरिया पे जा रहे हैं गाइस, हम बोटिंग एरिया पे आ चुके हैं और बोटिंग एरिया अभी क्लोज चल रहा है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है यहाँ पर और बोट्स हैं यहाँ पर। देखिए कुछ बोट्स यहाँ रखी हुई हैं, कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ उधर रखी हुई है, बोट्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर भी रखी हुई हैं कुछ बोट्स। तो अभी बोटिंग एरिया बंद चल रहा है पर थोड़े टाइम में वापस चालू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना प्यारा सीटिंग अरेंजमेंट है, आप लेक की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, इधर गार्डन की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है ये। सो गाइस यहाँ पर एक बहुत प्यारा पूल बना हुआ है जिस और इसके साइड में इधर लेक का पानी आ रहा है, और इस साइड आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से आप कितना अच्छा व्यू ले सकते हैं लेक का। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. गाइस मुझे यहाँ पर हम अंदर आए हैं, एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जो वॉल बनी हुई है यहाँ पर और इसमें गेट है तो ये क्यों बने हुए हैं यहाँ पर, मतलब ये यहाँ से अगर हम घुसते हैं तो उस पार निकल जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है इस गेट का। गाइस ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर फाउंटेन शो होता है ये, और ये सीटिंग प्लेस है उसकी, आप यहाँ से बैठ के उसको देख सकते हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है जब उस ये होता है। बंद था, लोग अपने पर्सनल शो दिखा रहे हैं। हम जाएंगे भूल भुलैया में, यहाँ यहाँ पर बातें है भूल भुलैया। सो गाइस हम लोग भूल भुलैया में एंटर कर रहे हैं तो देखते हैं कि लग रहा है। मतलब दो दो रास्ते हैं तो ऐसा नहीं हो जाए कि रात हो जाए और हम यहाँ से निकल ही नहीं पाए तो आप लोग खबर दे देना हमारे दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर लेने आ रहे हैं। हमारा ब्लॉग ना डाले समझ जाइए हम घूम चुके हैं। सो गाइस हम लोग भूल भुलैया में अंदर जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना अंदर घना घना होते जा रहा है। अब हम लोग कितना अंदर आ गए हैं हमको रास्ता नहीं समझ आ रहा है, पर गाइस सही बात बोलूं तो भूलभुलैया भूलभुलैया जैसी नहीं है, सब खुला खुला ही है, देखो इधर सब कुछ खुला हुआ है। हमें लगा था कि हम घूम जाएंगे यहाँ पर, एक तरफ इतनी खतरनाक झाड़ियाँ हैं, पर कुछ जैसे बालक है ये घूम सकता है अगर यहाँ आएगा तो, और पापा पापा करके ढूंढा करेगा। गाइस भूलभुलैया भूलभुलैया जैसी लग तो नहीं रही थी, पर अब समझ नहीं आ रहा कि बाहर कहाँ से निकले, ढूंढो रास्ता ढूंढो, ये इनकी इन लोगों की इधर उधर ही नज़र है, समझ नहीं आ रहा है क्या देख रहे हैं ये लोग। और हमें थोड़ा सा बाहर का रास्ता मिल चुका है, निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। और फाइनली गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं, तो ये भूलभुलैया भूलभुलैया नहीं थी, फोकट चुतियाप था बस। तो आप इसमें घुसने की गलती बिल्कुल ना करें, काफी गहरा एक्सपीरियंस था गाइस, काफी गहरा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ देखा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बताएं आप लोग, बिल्कुल ना करें ना करें ना। आगे और थोड़ा कुछ बच्चा देख लेते हैं और फिर वीडियो खत्म करेंगे। अगर वीडियो को यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहां पर एक चीज ये है कि मेला भी लगता है यहां पर, बट थोड़ी सी एक चीज ये है कुछ झूले लगे हुए हैं, पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि अभी परमिशन ख़त्म हो चुका है तो थोड़े टाइम में ये फिर से स्टार्ट होने वाला है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे झूले हैं, अगर आप आएँ तो ज़रूर यहाँ पर भी आएँ, ये कॉर्नर की साइड पे है यहाँ पर, अभी परमिशन कुछ टाइम में मिल जाएगा, मेरी बात हुई है यहाँ के मैनेजर से। तो गाइस जो कुछ था हम लोगों ने कवर कर लिया है यहाँ पर, और एक अच्छा सफर रहा अभी तक का यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा तो लंबा सफर जरूर था पर अच्छा था, पर काफी रोमांचक भी था, रोमांटिक सफर था, एंजॉय किया हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज्यादा, कुछ देख लिया हमने कुछ चीजें हमने ऐसी भी देख ली जो हमें देखनी नहीं चाहिए थी, ऑफ कैमरा देखी है, नहीं ऑफ कैमरा कुछ चीजें ऐसी हमें बता नहीं सकते, हम चाहते थे आपको दिखाएं पर कुछ लोगों ने हमें रोक दिया, खेलेंगे थोड़ा। और यहाँ पर पता है बहुत प्यारा पूल भी बना हुआ है, एक देख सकते हैं आप ये,
और ऐसे और आगे पुल बने हुए हैं, छोटे छोटे पुल हैं, मतलब ये पानी निकल रहा है तो उसके ऊपर से बना दिया इन लोगों ने, बट प्यारा है। और जब यहाँ पर शावर चलते हैं, अभी चल नहीं रहे, तो वो अलग ही मज़ा आता है उसका देखने का। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आकर। अगर आप इंदौर में हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप जरूर यहाँ पे आए, आपकी फैमिली है तो आप जरूर यहाँ पे आएंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फटाफट शेयर कर दो यार, बहुत जरूरत है तुम्हारे शेयर की। गुड।